गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इन आवर लास्ट क्लास वी ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर चैप्टर। ओके सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर सेकंड। ओके दैट इज ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, अपन ने देखो ऑर्गन्स के बारे में देखा है। ठीक है, लेकिन अभी अपन बात करेंगे कि जो अपनी बॉडी का जो ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके सो अब देखो, आपको पता है कि जो ऑर्गन्स होते हैं वो सारे मिलके क्या बनाते हैं। ऑर्गन्स में भी अपन ने देखा था कि एक अपने होते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स और एक अपने क्या होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, तो आज अभी अपन बात करेंगे अपने ऑर्गन सिस्टम के बारे में, क्योंकि ये जो ऑर्गन्स हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो उसी ऑर्गन सिस्टम के बारे में अपन बात करेंगे। ओके, थिंक ऑफ योर बॉडी एज ए मशीन। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपनी जो आपकी जो बॉडी है उसको क्या मानना है, एक मशीन मानना है। ओके, दैट कैन वॉक, और ऐसी मशीन जो क्या करती है, वॉक कर सकती है, टॉक कर सकती है, ब्रीथिंग कर सकती है, सी देख सकती है एंड फील कर सकती है। ठीक है, ये सारे काम जो हो कर सकती है, इस टाइप की मशीन आपको अपनी बॉडी को मानना है। ओके, कैन यू टेल द नेम्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस मशीन। क्या इस मशीन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, क्या आप उनके नाम बता सकते हो? क्या आप इन मशीन इनके ये जो मशीन है जो क्या कर सकती है, वॉक कर सकती है, टॉक कर सकती है, ब्रीथ कर सकती है, सी देख भी सकती है, फील कर सकती है। ठीक है, क्या इस टाइप की ये जो मशीन है, क्या आप इसके डिफरेंट पार्ट्स को बता सकते हो? कैन यू टेल व्हाट दीज पार्ट्स डू? ठीक है, आप उन डिफरेंट पार्ट्स के क्या नाम बता सकते हो, और क्या आप ये बता सकते हो कि इसके जो ये पार्ट्स हैं, ठीक है, ये करते क्या है? ठीक है, सो आवर बॉडी इज लाइक ए वंडरफुल मशीन। हमारी जो बॉडी है वो क्या है, एक वंडरफुल मशीन के जैसी है। इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। ठीक है, और ये क्या करती है, डिफरेंट अपने जो वेरियस ऑर्गन्स होते हैं उनकी हेल्प से वर्क करती है। ओके, देन पार्ट्स ऑफ बॉडी विच आर लोकेटेड इनसाइड द बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स, एज आई टोल्ड यू। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो अपने कुछ इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो बॉडी के ऐसे पार्ट्स जिनको आप देख नहीं सकते और बॉडी के अंदर की तरफ लोकेटेड होते हैं, ठीक है, उन ऑर्गन्स को आप क्या कहोगे, इंटरनल ऑर्गन्स। क्या कहोगे आप इनको, इंटरनल ऑर्गन्स। वी कांट सी देम विद आवर आईज। हम इनको अपनी आईज से नहीं देख सकते। सम ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स आर द ब्रेन, हार्ट, और इनमें से कुछ इंटरनल ऑर्गन्स हैं अपने पास में, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक, किडनी। ठीक है, ये सारे जो भी पार्ट्स हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं, ये कौन से ऑर्गन हो गए, इंटरनल ऑर्गन्स। ओके, दीज ऑर्गन्स नॉट वर्क अलोन। ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये अकेले वर्क नहीं करते, अकेले ये कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। ओके, सेवरल ऑर्गन्स वर्क टूगेदर। बहुत सारे ऑर्गन्स क्या करते हैं, एक साथ में मिलते हैं और मिलकर वर्क करते हैं। ओके, टू फॉर्म ए सिस्टम। तो ये सारे जो ऑर्गन्स होते हैं एक साथ में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। देखो सिंगल ऑर्गन को तो अपन सिस्टम नहीं बोल सकते, लेकिन ये सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और फिर उसी ऑर्गन सिस्टम से क्या होता है, अपनी बॉडी की जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो कंप्लीट होती है। ईच सिस्टम इन द बॉडी हैज इट्स ऑन फंक्शन। ओके, हैज इट्स ऑन फंक्शन। ठीक है, अपनी बॉडी का जो भी सिस्टम है, ठीक है, जो भी सिस्टम है इस बॉडी का, इसका अपना अलग फंक्शन होता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑर्गन सिस्टम। तो अभी अपन बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम के बारे में, ये कैसे होता है, किस तरह से वर्क करता है। ओके, देन ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स
वर्किंग टुगेदर, ठीक है। ऑर्गन्स का ऐसा ग्रुप जो एक साथ में मिलके वर्क करता है टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अपनी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक साथ मिलके जब वर्क करते हैं, ठीक है, तो वो क्या बना लेते हैं, एक स्पेसिफिक टास्क जो है उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और इसी को हम क्या कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम। क्या कहेंगे अपन इसको, ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट वी हैव इज देयर आर सेवरल ऑर्गन सिस्टम्स इन आवर बॉडी, ठीक है। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर काफी सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं दैट वर्क एंड हेल्प अस टू स्टे अलाइव एंड डू वेरियस थिंग्स, ठीक है। जो क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं और हमें वेरियस थिंग्स, वेरियस जो वर्क होता है उसको करने में हेल्प करते हैं। सम ऑफ द ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी आर, ठीक है, अपनी बॉडी के जो कुछ ऑर्गन सिस्टम्स हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखो अपने को 8 ऑर्गन सिस्टम्स दिए हुए हैं, ओके। सो फर्स्ट वी हैव ए स्केलेटल सिस्टम, ओके, तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम हो गया। नेक्स्ट मस्क्यूलो सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन का वर्क होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, अपना जो वेस्ट हो जो भी होता है वो बाहर रिमूव करने का हेल्प होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम हो गया और रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है। सो ये अपने यहाँ पे क्या हो गए, 8 टाइप ऑफ सिस्टम्स हो गए, 8 टाइप के ऑर्गन सिस्टम हो गए अपने। नाउ लेट्स रीड अबाउट दीज ऑर्गन सिस्टम्स इन डिटेल। अब अपन क्या करेंगे, देखो ये अपन ने नाम तो देख लिए सारे ऑर्गन सिस्टम के, ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे, इन सिस्टम्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव इज द स्केलेटल सिस्टम। सबसे पहले अपन बात करेंगे द स्केलेटल सिस्टम की। एज यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ये क्या है, स्केलेटल सिस्टम की पिक्चर है, इसको देख के आप कुछ समझ सकते हो आई थिंक, ओके। सो द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स। जो स्केलेटल सिस्टम है वो किससे बनता है, बोन से। व्हेन यू प्लेस योर बॉडी इन डिफरेंट प्लेसेस, जब आप अपनी बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से क्या करोगे, प्रेस करोगे, द हार्ड पार्ट दैट यू कैन फील आर द बोन्स। तो जब आपने बार बार ने मतलब काफी सारी जगह से आपने अपनी बॉडी को प्रेस करके देखा अपनी फिंगर से, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कुछ जगह ऐसी होगी जहां पे आपको मतलब सॉफ्ट होगा, ठीक है, सॉफ्ट फील होगा, बट कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहां पे आपको क्या होता है, हार्ड फील होता है। तो जहां पे आपकी बॉडी का जो भी पार्ट है जहां पे आपको हार्ड फील हो रहा है, ठीक है, उस पार्ट को आप क्या कहोगे, वो क्या हो गई आपकी बोन्स, ओके। देयर आर 206 बोन्स इन ए ह्यूमन बॉडी, ठीक है। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें कितनी बोन्स होती है, 206, ओके, 206 बोन्स होते हैं। दे आर जॉइंट टूगेदर टू फॉर्म ए बोनी फ्रैमकल, ठीक है। और ये सारे क्या होते हैं, ये जो आप यहाँ पे बोन्स देख रहे हो, ये कितनी बोन्स हैं, 206 बोन्स हैं। ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जॉइन होते हैं, ठीक है, और एक बोनी फ्रेमवर्क बनाते हैं, बोन्स से बना हुआ एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, ठीक है, फ्रेम जैसे होती है, ठीक है, उस टाइप से फ्रेमवर्क बनाते हैं, ठीक है, एंड कॉल्ड द स्केलेटन। और इसी फ्रेमवर्क को हम क्या कहेंगे, स्केलेटन, ओके। द स्केलेटन गिव्स द शेप एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी। और ये जो स्केलेटन है ये क्या करता है, अपनी बॉडी को शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स आर इंटरनल ऑर्गन्स लाइक द हार्ट एंड लंग्स। और ये जो अपना स्केलेटन है ये क्या करता है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको भी ये प्रोटेक्ट करता है, जैसे लंग्स हो गया अपना, हार्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो क्या होगा, जैसे बाहर से अगर अपने को चोट लग जाएगी, ठीक है, तो अपना जो हार्ट हो रहा है और लंग्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इंजर्ड हो जाएंगे, ठीक है, उनको भी चोट लग सकती है, बट
ये जो अपना स्केलेटल सिस्टम है ये क्या करता है, इनको प्रोटेक्ट करता है और इनको इंजर्ड नहीं होने देता है. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन. स्कल क्या करता है, ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है. ओके, देन बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड. और जो बैकबोन है अपना स्कल जो है, ये जो पार्ट यहाँ पे आप देख रहे हो इसको आप क्या कहोगे, स्कल कहोगे. तो ये तो किसको प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, एंड द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड. और ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, बैकबोन है. और ये किसको प्रोटेक्ट करती है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, इसी तरह से द रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग्स. ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये और ओके दिस वन, तो ये जो ये क्या है, रिब केज है. और ये रिब केज क्या करती है, हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करती है. हार्ट एंड लंग्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है. द मीटिंग प्लेस ऑफ टू बोन्स इज कॉल्ड जॉइंट्स. ठीक है, और इस टाइप से टू बोन्स जहां पे मिलती हैं, जैसे ये वन बोन हो गई, ये वन बोन हो गई, ये दोनों जहां पे मिल रही हैं, ठीक है, उस पार्ट को आप क्या कहोगे, जॉइंट्स कहोगे. इसी टाइप से देखो बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, जैसे ये अपनी बोन हो गई, ये बोन हो गई, यहाँ पे मिल रही है तो ये जॉइंट हो गया. इसी टाइप से अपनी फिंगर में भी क्या होती है, ठीक है, टू थ्री जॉइंट्स होते हैं. इस टाइप से काफी सारे जॉइंट्स होते हैं, आपका नी का हो गया, आपका हिप बोन का हो गया, ठीक है. तो इस टाइप से क्या होते हैं, काफी सारे जॉइंट्स भी होते हैं. तो जहाँ पे टू एंड मोर देन टू बोन्स जहाँ पे मिलती हैं उसको आप क्या कहोगे, जॉइंट्स. क्या कहोगे आप उसे, जॉइंट्स. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट स्केलेटल सिस्टम. ओके, एंड रिमेन चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास. सो थैंक यू.